हेलो एरिस, वेलकम टू माय चैनल टैरो डिवाइन लव मी। मैं हूँ शिवांगी, आपके लिए लेकर आई हूँ यहाँ पर यू वर्सेस देम की रीडिंग, करंट सिचुएशन की। ओके गाइस, ये कलेक्टिव रीडिंग है, जिनसे भी रेजोनेट होता है उन्होंने ही रखना है और जिनको भी पर्सनल रीडिंग चाहिए उन्होंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पर स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। सबसे पहले आपकी एनर्जी यहाँ पर चेक करते हैं, करंट सिचुएशन। एरिस, थैंक यू सो मच। यहाँ पर आपका कार्ड आया है द वर्ल्ड का, ग्रेट। इसे क्लैरिफाई करते हैं, द वर्ल्ड। नाइट ऑफ कप्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट, ग्रेट, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपकी एनर्जी यहाँ पर इमोशंस को बैलेंस करते हुए नजर आ रही है, अपने इमोशंस को बैलेंस कर रहे हैं। आप चाहते हो कि आपकी मुलाकात आपके पार्टनर के साथ में हो, उसके साथ में इनर वर्क या सेल्फ लव आप यहाँ पर डिस्कवर करना चाहते हो। ये जो रिलेशन है ये यहाँ पर आप उसको मैंने पूरी तरह डीपली समझना चाहते हो कि ये रिलेशन सचमुच रियल है, ट्रू है। ओके सो ये यहाँ पर है और उसके बाद में ही आप आगे स्टेप लेना चाहते हो, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। ओके सो यस, डेफिनेटली आप खुद को बैलेंस कर रहे हो, आप जस्टिस चाहते हो और यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट की एनर्जी भी है कि आप बहुत अच्छे से खुद को एक स्ट्रॉन्ग वे से इस रिलेशन को देखना चाहते हो, या इस रिलेशन में प्यार भी उतना रहे, ट्रस्ट वर्दी भी रहे और एक स्ट्रॉन्ग भी हो। ओके जो भी है इसमें कम्युनिकेशन क्लियर हो, सब कुछ यहाँ पर ठीक से हो, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। सो आपके माइंड में जो भी पर्सन है उनकी सिचुएशन हम देखेंगे। थैंक यू सो मच। ओके द मैजिशियन की एनर्जी है उनकी यहाँ पर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन यहाँ पर ये पर्सन की एनर्जी यहाँ पर ऐसे लग रहा है कि इनके हाथ में डिसीजन है। ओके डिसीजन जो लेना है ये इनके हाथ में है। ये चाहे तो ये रिलेशन अच्छा बॉन्ड बना सकते हैं और ये चाहे तो ये रिलेशन स्टॉप भी कर सकते हैं, ये एनर्जी उनकी आ रही है। ओके सो हम यहाँ पर क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन भी यहाँ पर वही सेम सिचुएशंस आ रही है। ओके ये पर्सन अपने कर्मास बैलेंस करके आपके तरफ आना चाहता है। ओके ये भी यहाँ पर सेलिब्रेशन ही चाहता है कि ये रिलेशन अच्छे से हो जाए, बट राइट नो समथिंग कुछ तो भी करियर में इनका इशू चल रहा है या यहाँ पर स्टक है। ओके फाइनेंशियली ये पर्सन थोड़ा सा स्टक है, इसलिए ये आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, ये एनर्जी आ रही है। ओके सो आपकी तरफ इनकी क्या एक्शन रहेगी हम ये देखेंगे कि आपके तरफ इनकी एक्शन क्या रहेगी। इंटेंशन टूवर्ड्स यू, ओके नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ओके ये अभी कोई भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, ये एनर्जी यहाँ पर आ रही है। ये कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहते हैं अभी। मैंने कहा ना ये स्टक है थोड़ा सा और ये अपने अपना पूरा बैलेंस करना चाहते हैं। ओके यहाँ पर आया है या ये पर्सन हो सकता है एनर्जी यहाँ पर ये भी है
ये पर्सन अभी किसी थर्ड पार्टी के साथ में इन्वॉल्व थे, ओके, और इसके वजह से ये पर्सन यहाँ पर आपको ट्रू सोलमेट समझते हैं, बट ये पूरी तरह अपना जो भी कर्माज है, ओके, जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट था या जो भी था, ये पूरा क्लियर करना चाहते हैं, ओके. सो ये पर्सन अभी कंफ्यूज है, हैंग है, ओके. इनको अभी राइट वे नहीं मिल रहा है आपके तरफ आने का. सो किस इंटेंशंस को लेकर ये आपके तरफ आए, ये इनको अभी नहीं समझ रहा है, इसलिए ये पर्सन अभी दूर जाते हुए नज़र आ रहे हैं. ये एक्शन लेना नहीं चाहते, ये मे बी बहुत पेनफुल एनर्जी में है, ओके, पेनफुल एनर्जी में है, और थोड़ा सा होल्ड करके है, थोड़ा सा खुद को डीपली सोच रहे हैं. ये एनर्जी इनके आ रही है, यहाँ पर यही है, ओके. सो ये जो है, ओके, आपको ट्रू सोलमेट तो मानते हैं, बट इनका अभी तक जितना प्यार है, ओके, वो आपको दे नहीं पा रहे. यानी ये केयर तो करते हैं आपके बारे में, ओके, ऐसा नहीं कि केयर नहीं करते हैं, बट जो रियल ट्रू लव है वो आपको शो नहीं कर पा रहे हैं या दिखा नहीं पा रहे, ये भी एनर्जी यहाँ पर आई है. सो यहाँ पर हम देखते हैं आपके लिए क्या लास्टली गाइडलाइन मिलती है यूनिवर्स की तरफ से, कि इस सिचुएशन में आपने क्या करना चाहिए. यहाँ पर एरिस, आपके लिए ये गाइडलाइन दी जा रही है कि आपको यहाँ पर खुद के तरफ ध्यान देना चाहिए. यस, ये रिलेशन थोड़ी देर के लिए दूर होता है तो इट्स ओके. इस रिलेशन के बारे में ज़्यादा मत सोचिएगा और अपने खुद के तरफ ध्यान दीजिएगा, ओके. सो ये एनर्जी आ रही है आपको भी. ये रिलेशन ज़्यादा आपको तकलीफ दे रहा है या पेन दे रहा है, ओके, आपको ठीक से जैसे आपको खुशियां नहीं मिल रही हैं, जो इस रिलेशन से आपको खुशियां नहीं मिल रही या आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है, तो प्लीज़ आप होल्ड कीजिए और अपने अपने खुद के ऊपर काम कीजिए, सेल्फ लव कीजिए. यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है, ओके. आपका खुद का यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आपके कर्मास बैलेंस होंगे और आपका न्यू से स्टार्ट होगा. ये भी एनर्जी यहाँ पर, गाइडलाइन यहाँ पर आए हैं. सो इसे गाइडलाइन को अच्छे से लीजिए, यहाँ पर जजमेंट मिलेगा, ओके. और आपको शायद यहाँ पर ये भी हो सकता है कि आपके जीवन के जो भी ट्रू सोलमेट हैं वो आपको मिलेंगे, तो उसके लिए आपको कहीं से कॉल आएगा या कहीं से आपको मैसेज आएगा, ये भी हो सकता है, ओके. ये पर्सन अभी तो स्टक है, ओके. ये पर्सन पूरी तरह स्टक है. ये पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हैं अभी, ये पर्सन कंफ्यूज है. ये पर्सन टोटल कंफ्यूज है, ओके. ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है बट ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा, ओके. और यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हैं, आप इनको मिस कर रहे हैं या इनकी यादों को मिस कर रहे हैं, बट यहाँ पर ये पर्सन अभी भी थोड़ा बहुत थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, या फाइनेंशियली कहीं तो भी इनको चिंता है. ये फाइनेंस में भी हो सकते हैं कि करियर में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है, यानी करियर के बारे में सोच रहे हैं बार बार और आपके तरफ ध्यान नहीं दे रहे, ये भी हो सकता है, ओके. सो गाइज, जिनसे भी रेजोनेट होता है तो इसकी वजह से इनकी एनर्जी ऑन ऑफ है. ये प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, जो कि आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहा है उनसे. सो इसलिए आप यहाँ से मूव ऑन कर सकते हैं ये रिलेशन से, ओके. सो यही गाइडलाइन आ रही है, ओके. तो ही आपका अच्छा सक्सेस रहेगा और आप फ्रेश एनर्जी में यहाँ पर रहोगे, ओके. सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है. यस, आप
मूव ऑन होते हो तो आप एक फ्रेश एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा आपका और आपको जजमेंट मिलेगा। सो गाइज मैं यहाँ पर ये रीडिंग क्लोज करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। जिनसे भी रेजोनेट होती है उन्होंने लाइक ज़रूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड नमस्ते।